में हम लोग देखते हैं कि अनेक परमाणु होते हैं, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, उससे भी चुंबक का गुण उत्पन्न होता है। तो ये हुआ था का चुंबक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं कि आखिर चुंबक जो चुंबक शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, देखो इधर चुंबक शब्द की उत्पत्ति माने कहाँ से इसकी उत्पत्ति है। तो एक देश है जिसका नाम है यूनान, और उसी यूनान देश में एक द्वीप था जिस द्वीप का नाम था मैग्नीशिया। माने यूनान एक देश का नाम है, उसमें एक द्वीप था जिसका नाम था मैग्नीशिया, और मैग्नीशिया द्वीप में क्या होता था कि बहुत पहले लगभग 600 ईसा पूर्व, मैग्नीशिया की बात हो रही है, 600 ईसा पूर्व वहाँ बहुत लोग माने बहुत गरीरिये थे, ठीक है ना। गरीरिये का मतलब होता है कि जो भेड़ वगैरह चराते हैं वहाँ पर उपस्थित थे। कहाँ? मैग्नीशिया में। ये क्या करते थे कि भेड़ को चराने के लिए जब जाते थे तो वो भेड़ जब चराने के लिए जाते थे तो लाठी लेकर तो जाएंगे ही, और लाठी के नीचे लोहा का एक कवच बना लिए थे, लोहा का एक कवच था, ठीक है, ये भी बात था आपका। और कुछ जो गरीरिये थे जब वो चप्पल पहनते थे, चप्पल पहनते जा सेंडी, तो उसमें लोहा का किल लगा, जैसे हमारा चप्पल है ये ना, उसमें लोहा का इस तरीके से किल लगा हुआ था। तो वह कहते थे जमाने हुआ क्या करते थे ना, जब ये लाठी लेकर के जाते थे तो उस नीचे हम लोहा के किल लगाए जाते ना, इसे लगाए जाते लाठी खियाएगा नहीं, तो लोहा के किल लगाए थे। तो जब वो जाते थे मैग्नीशिया जो माने यूनान में है, और जब मैग्नीशिया के पहाड़ों पर जाते थे पत्थरों पर, और जब ये लाठी को रखते थे तो लाठी उनका चिपक जाता था क्योंकि लोहा के कील था, चल नहीं पाते थे लाठी लेकर के, या फिर जो चप्पल पहनते थे उसमें लोहा का जो कील था जब वो चप्पल रखते थे तभी वो चप्पल फंस जाता था उसमें। तो ये लोग आकर शिकायत की यूनान के बड़े बड़े जो वैज्ञानिक थे उनसे आके शिकायत की कि हम लोग जब भेड़ को चराने के लिए कर जाते हैं तो चराने में बड़ी दिक्कत होती है, चल नहीं पाते, चप्पल जो होता है चिपक जाता है, जो भी पत्थर होता है उससे, जो लाठी होता है वह भी चिपक जाता है। तो आखिर वैज्ञानिकों ने कहा कि ज़रूर कुछ ना कुछ जो पत्थर है उसके अंदर कोई ना कोई गुण है, और उसके बाद से उन लोगों ने कहा कि उसके अंदर चुंबक का गुण है, और उसी चुंबक के गुण के कारण जो लोहे की लाठी वो भी चिपक जा रही है, और जो चप्पल है जिसके अंदर लोहा का कील लगा हुआ है वही चिपक जाता है। और इस प्रकार मैग्नीशिया, आप पढ़े भी होंगे, मैग्नीशिया से आपकी चुंबक की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। ऐसे समय बीतता गया, हालांकि सबसे पहले लोग क्या करते थे, इसी चुंबकीय सुई का प्रयोग, जो चुंबक है इसे चुंबक को लेकर के जब लोग यात्रा करते थे, समुद्री मार्ग से यात्रा करते थे तो चुंबकीय सुई को लेकर के जाते थे, और ये चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में क्या होता था, घूम जाता था, उत्तर की दिशा में जाना है कि दक्षिण की दिशा में जाना है वो चुंबकीय सुई बता देता था, और जो भी यात्रा करते थे वो चले जाते थे। यात्रा में भी इसका प्रयोग हुआ, चुंबक का बहुत उपयोगी चीज़ होता है। उसके बाद से एक कहानी और इसमें है कि बहुत पहले एक बात होता था कि चीन के जो चीनी माने 400 ईसा पूर्व ये दिखाया गया है कि जो चीन के लोग थे वह सबसे पहले सुई का प्रयोग करके गोबी रेगिस्तान को पार करके आगे निकल जाते थे। माने गोबी रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो किस दिशा में जाना है, उत्तर दिशा में जाना है कि दक्षिण दिशा में जाना है, तो इसी चुंबक से बना हुआ जो चुंबकीय सुई होता है इसका प्रयोग करके वह तमाम प्रकार की जो दिशाएं होती थी उसके अंदर क्या होते थे, चले जाते थे। देखो आपके एक चित्र भी दिखाया है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये चित्र ये दिखाया है कि एक बार कई जो राजा थे जो बड़े बड़े सम्राट थे, और वह सम्राट जो थे ना वह सम्राट इसी को लेकर के जाते थे। ये रथ है देख रहे हो, और रथ के आगे क्या है ना, एक व्यक्ति खड़ा है जिसका उंगली देखो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है ना। तो क्या हुआ देखो, हम बता देते हैं इसमें कि चित्र में देख रहे हो कि इस रथ का एक चित्रकार द्वारा बनाया गया, रथ पर लगी हुई प्रतिमा इस तरह घूम जाती थी कि उसकी उंगली हमेशा दक्षिण की दिशा को संकेत करती थी। आगे आपका उंगली निकला हुआ देख रहे हैं, ये हमेशा दक्षिण की दिशा के क्या करती थी, संकेत करती थी,
समझ रहे हो, इस रथ के सहारे घने कोहरे में, देखो एक राजा का नाम है हैंग हैंग ती को फौजे दुश्मन के पीछे पहुंच गई और आक्रमण करके उन्हें हरा दिया। समझ रहे हो ना, जैसे कहने का मतलब है कि फौज किधर है, पहले तो कोई जानकारी नहीं था, नेट वगैरह का जमाना नहीं था, पता करना। देखो पहले के जमाना में अगर सम्राट जो भी है, अगर उसको पता चल गया कि दुश्मन यहाँ पर है तो उसके ऊपर आक्रमण करके वो जीत जाते थे। अच्छा पता नहीं चला कि माने कहाँ दुश्मन मेरे हैं, तब ये हार जाते थे, इसके ऊपर आक्रमण कर देते थे। तो इसी चुंबक का जो प्रतिमा आप जो बनाया है, जो जिसके सामने देखिए एक उंगली निकली हुई है जो हमेशा दक्षिणी दिशा को बता रही है, तो इसी के सहारे जो लिखा है ना हैंग टी, जो कि अमेरिका के सम्राट थे, वह अपने दुश्मनों पर आक्रमण करके फिर विजय प्राप्त कर लिए थे। समझ रहे हैं ना, तो ये बात हो गया आपके। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि कैसे चुंबक की उत्पत्ति हुई, तो इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से चुंबक उत्पत्ति के बाद एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है चुंबकत्व। पाठ का भी नाम है ये चुंबकत्व। चुंबक से बात है कि चुंबक के द्वारा किसी भी वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करने का जो गुण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको नोट कर लेते हैं, चुंबक द्वारा किसी वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करने की क्षमता को क्या करते हैं, चुंबकत्व कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। अब एकदम सिंपल सी परिभाषा है, कोई भी आपके चुंबकत्व पूछता है तो आप इस चीज़ को बता सकते हैं कि किसी भी चुंबकीय पदार्थ द्वारा किसी वस्तु को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं, बहुत चुंबकत्व है। अच्छा एक चीज़ और इसमें नोट कर लेना कि चुंबकत्व का सबसे अधिक गुण चुंबक के दोनों सिरों पर पाया जाता है। मैंने जरूर याद रखना, चुंबकत्व का सबसे अधिक गुण कहाँ पाया जाता है, चुंबक के सिरों पर पाया जाता है। याद रखना, चुंबक के जो सिरे होते हैं उस पर पाया जाता है। नहीं दिखाई दे रहा, चलो ये दिखाई देता है ना? चुंबक के दोनों सिरों पर पाया जाता है, दोनों सिरों पर पाया जाता है। माने किनारे वाला जो हिस्सा होता है ना, वो तेजी से किसी वस्तु को आकर्षित करता है, जैसे चुंबक है, ठीक है। तो चुंबक है तो यन हो गया, ये यश हो गया, तो यहाँ पर इसकी क्षमता अधिक होगी, जो आकर्षित करने की क्षमता यहाँ पर होगी अधिक होगी, यहाँ पर जो क्षमता होगा कम होगा, यहाँ भी अधिक होगी ना, किनारा है, बीच में कम होगा, यहाँ पर कम होता है, ठीक है। तो चुंबकत्व जान गए। आपसे पूछा जाता है कि बताओ जो चुंबक होता है, चुंबक में चुंबकत्व का गुण सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि ठीक है, ये बात आपको याद होना चाहिए। देखो अब आया है, आप पढ़े भी होंगे इसको थोड़ा सा, एक और फिर आपका आया तो जिक्र कर देते हैं आज। तो चुंबकत्व देखें हम लोग, अब एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि चुंबक के गुण क्या क्या होते हैं, चुंबक के गुण, ठीक है ना। तो चुंबक के गुण में चार पांच गुण आप बता सकते हैं। पहला होता है कि पृथ्वी भी एक चुंबक के भांति कार्य करती है, ठीक है। पृथ्वी भी क्या होती है, चुंबक के भांति कार्य करती है। पहले तो देख लेना कि पृथ्वी भी एक चुंबक के तरह कार्य करती है। जब पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर अगर लोहा को डाल दिया जाए तो उस लोहा के अंदर चुंबक का गुण आ जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जो चुंबक होता है, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव, आपको तो याद होगा ना। चुंबक के
दो ध्रुव एक उत्तरी ध्रुव, अच्छा उत्तरी ध्रुव का यंत्र प्रदर्शित करते हैं, और एक दक्षिणी ध्रुव यश होता है। बहुत सिंपल है, अपने भी होंगे कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव जिसको नॉर्थ कहा जाता है इसीलिए यंग से प्रदर्शित करते हैं, एक दक्षिणी ध्रुव जिसको साउथ कहा जाता है इसीलिए इसको यश से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। अच्छा तीसरा है, देखो ये बात जरूर याद रखना कि जो चुंबक होता है चुंबक से दोनों ध्रुवों को कभी अलग नहीं किया जा सकता, काटोगे जितने चुंबक को तोड़ोगे फिर उसमें दो ध्रुव बन जाता है। लिख लेना कि चुंबक से दोनों ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है। मान कहने का मतलब जितने आप चुंबक को काटेंगे, जितने चुंबक को दो भागों में बांटेंगे फिर उसमें जितने भाग उसके होंगे, जैसे मान लो कि चुंबक आपके पास है यन और यस, इसको आप काट दिए तो काटने के बाद दो चुंबक बनेगा, फिर इसमें यन और यस आ जाएगा, फिर इसको काट दिए तो फिर ये दो चुंबक बनेगा, फिर इसमें यन और यस का आ जाएगा। जितने भागों में आप काटेंगे चुंबक होता है यन और यस आता रहेगा। तो ये तीसरा गुण आप बता सकते हैं। चार नंबर गुण देख लेते हैं हम लोग कि जब चुंबक के समान ध्रुव को उसके पास लेके जाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, यस यस लेके जाएंगे प्रतिकर्षण होगा, और जब विजातीय ध्रुव लेके जाएंगे यन एक यस होगा। ये भी आप याद रखेंगे, चुंबक के समान ध्रुव को जब पास लेकर जाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, क्या होता है प्रतिकर्षण होता है। जैसे हमारे पास क्या है, ये चुंबक है, ये यन है, ये यस है, ये भी क्या है यस है यन है, दोनों के एक पास करेंगे तो क्या होगा प्रतिकर्षण होगा। चाहे ऐसे भी आप दिखा सकते हैं कि यस है एक यन है, फिर यहाँ पर कहा यन है और यस है, इसको भी एक पास करेंगे तो प्रतिकर्षण होगा। समान ध्रुव का मतलब दोनों यन होगा या दोनों यस होगा, दोनों यन होगा तभी आप समान ध्रुव कहेंगे, दोनों यस होगा तभी आप समान ध्रुव कहेंगे। तो वही बात है कि चुंबक के जब समान ध्रुव को पास लेके जाते हैं तो उस समय क्या होता है प्रतिकर्षण होता है। और पचवा कह सकते हैं कि जो चुंबक होता है चुंबक के जब विजातीय ध्रुव को लेकर जाते हैं तो उसमें आकर्षण होता है, चुंबक के विजातीय ध्रुव के बीच क्या होता है आकर्षण होता है। विजातीय का मतलब अलग अलग, हम अगर चुंबक ले लें एक यन ले ली एक यस और फिर एक यस हुआ फिर एक यन, तो जब अलग अलग हम लोग लेकर के जाएंगे ये देखिए दोनों है तो इसमें आकर्षण, तब विजातीय ध्रुव का मतलब होता है कि एक आपके पास यश होगा तो एक यन होगा, यश और यन को एक पास करेंगे तो इसमें क्या होता है प्रतिकर्षण हो गया। तो ये चुंबक, और ये चुंबक के कुछ गुण थे, चुंबक के गुण में आप पूरा बता सकते हैं, पांच गुण आपको बताया गया है ठीक है। किताब में आपका है देखिए एक अगला हेडिंग जिसका नाम है दंड चुंबक, मिल रहा होगा। देखो जब चुंबक छड़ के आकार का होता है, जब चुंबक किसके आकार का होता है छड़ के आकार का होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दंड चुंबक कहते हैं या छड़ चुंबक कहते हैं ठीक है। तो देखते हैं हम लोग एक और टॉपिक आपका है छड़ चुंबक या दंड चुंबक। छड़ चुंबक या इसी को हम लोग कहते हैं दंड चुंबक, छड़ चुंबक या दंड चुंबक क्या कहेंगे आप ऐसे कि ऐसे चुंबक जो छड़ के आकार का होता है उसको हम लोग छड़ चुंबक कहते हैं, ऐसे चुंबक जो छड़ के आकार का
होता है उसे छड़ चुंबक कहते हैं। इसमें भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है, ये आपका यन है यश है। तो छड़ के आकार का जो चुंबक पाया जाएगा वो सिंपल सी बात है, या रॉड के जैसा या डंडे के जैसा, डंडा के जैसे, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, छड़ चुंबक कहते हैं। इसमें भी दो ध्रुव पाया जाता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए छड़ चुंबक का क्या गुण होता है, मान लो कि अगर कोई पूछे कि छड़ चुंबक के गुण क्या होता है, तो छड़ चुंबक गुण क्या होता है, देखो जो गुण आपने चुंबक का लिखा है वही छड़ चुंबक का होगा, यही आपका दिखना है कि जो छड़ चुंबक होता है वो भी पृथ्वी भी एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। छड़ चुंबक में भी दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव, हाँ बस ये छड़ चुंबक में भी दोनों ध्रुव का अलग नहीं किया जा सकता, सेम यही बात है, आपको उसमें लिख देना जो चुंबक का गुण है उसी को उसमें क्या कर देना, आपको लिख देना, बात समझ रहे हैं, याद हुआ सभी। छड़ चुंबक के गुण पूछेगा तो जो चुंबक का गुण आप लिखे हैं बस जहाँ जहाँ चुंबक है तहाँ तहाँ आपको क्या कर देना, छड़ चुंबक कर देना, ठीक है। अब आपकी किताब में एक और हेडिंग बनाया, देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मिल रहा होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चलो तो अब हम लोग आते हैं चार नंबर टॉपिक पर, कोई आपसे पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या इसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं, आप इसके बारे में बता सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं मानो भी काल्पनिक रेखाएं होती है, मतलब कल्पना की जाती है, वो काल्पनिक रेखाएं होती है जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है, वक्र बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव में क्या होती है, समान इसको पढ़ाया गया, इसको पढ़ा दिया गया ना, तो छोड़ दिया जाए इसको कि बता दिया जाए, बता दीजिए ना करेंगे, बता देते हैं जितने नहीं पढ़े वो लिख लेंगे, ठीक है। देखो तो इसकी परिभाषा में आप कह सकते हैं कि चुंबकीय, यहाँ पर लिखते हैं चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है, वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में समाप्त हो जाती है, और दक्षिणी ध्रुव में क्या होती है, समाप्त हो जाती है, ठीक। जैसे कहा है ना ये चुंबक है, ये यन है, ये यस देख रहे हो, यन आपका कहा होगा चुंबक का उत्तरी ध्रुव, यस आपका चुंबक का दक्षिण ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं देखो ऐसे निकल रही है, ठीक है, मतलब जहाँ तक चुंबकीय बल रेखाएं जाती है ना वहाँ से वस्तु को आकर्षित कर लेते हैं, फिर यहाँ से निकल गई, फिर यहाँ से निकल गई, फिर नीचे से निकल गई, ये वाला देख रहे हो, फिर ये निकल गई। अगर आप चाहते ऐसे भी दिखा सकते हैं कुछ रेखाओं को कि निकलती हुई प्रतीत हो रही, और यहाँ दिखा सकते हैं कुछ रेखाएं अंदर आती हुई भी प्रतीत हो रही इस तरीके से, ठीक है। इस चित्र भी आप बना सकते हैं चुंबकीय बल रेखाएं के, चुंबक देखो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में क्या आ जा रही है, समाप्त हो जा रही है, पढ़े थे ना आप। अच्छा इसके बाद एक चीज़ आता है कि चुंबकीय बल रेखाएं के क्या क्या गुण होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं, हाँ चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं, दोनों बात एक ही होता है, सेम है। उसके बाद से
चीज आता है जिसका नाम होता है चुंबकीय बल रेखाओं का गुण, चुंबकीय बल रेखाओं का क्या क्या गुण होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो पहला तो देख रहे हैं चुंबकीय बल रेखा है, चुंबक तो उत्तरी ध्रुव से निकल रही है, दक्षिण ध्रुव में क्या होती है समझ। पहला तो यही लिख सकते हैं, लिख लो कि चुंबकीय बल रेखा है, चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से निकलती है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में क्या होती है समाप्त हो जाती है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में क्या होती है समाप्त हो, देख रहे हो उत्तर से निकल रही है दक्षिण ध्रुव में जाकर समाप्त हो। दूसरा क्या होता है चुंबकीय बल रेखा है, दूसरे को कभी नहीं काटे, पढ़े भी थे इसको, कहीं काट भी नहीं रही है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते, चुंबकीय बल रेखा है दूसरे को कभी नहीं काटते। तीसरा हो गया चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। चौथा यही बता सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं जब चुंबक के पास होती है तो प्रबल होती है और दूर होती है तो दुर्बल होती है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के पास प्रबल होती है और चुंबक से दूर दुर्बल होती है। चुंबक के पास प्रबल होती है और चुंबक से दूर क्या होती है दुर्बल होती है, ठीक है। तो बस